इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, चेकअप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। यार, कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ खाई थी पासर मालम में, ये वाली चीज़ जो मैं अभी खा रहा हूँ, तो उसका मुझे टेस्ट जो है ना वो बड़ा अजीब लगा था और डिफरेंट टाइप का था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए कि ये किस तरह बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डालते हैं और फिर बनती है। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं वो चीज़ ढूंढूंगा कि वो कहाँ पे बनती है, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड होता है ना, ये बेसिकली स्ट्रीट फूड है मलेशिया का। किसी भी मुल्क का जो स्ट्रीट फूड होता है, उस मुल्क में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको अपनी तरफ रागब करता है, जो टूरिस्ट हैं उनको खाते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसलिए मुझे भी वो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी देखूंगा कि इसको बनाते किस तरह हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें जो वो डालते हैं। तो चलते हैं आज और देखते हैं, अगर कहीं हमें नज़र आया इसका स्टॉल वगैरह या शॉप वगैरह तो उसमें जाके वीडियो बनाएंगे और उसे पूछेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं। लेट्स गो। जी जनाब, मैं पहुंच चुका हूं स्टॉल पे और आपको दिखाता हूं कि यहां पे एक इंडोनेशियन भाई है, उसने ये स्टॉल लगाया और देखते हैं कि उसके पास क्या है। ये है जी मलेशिया की ख़ास सौगात जिसका नाम है अम्पंग बाले। ये इस तरह बनती है, मैं आपको दिखाता हूं। इन्हीं अब अपंग इन्हीं इन्हीं तपुंग। ये है जी मैदा और इसमें सब मिक्स हुआ और ये है इसका फ्लेवर। इसको बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, हाँ, चिल्ली का फ्लेवर है ये, स्वीट कॉर्न। और उसके बाद ये इसने बनाए हुए हैं, ये फ्लेवर है इसमें जो डालते हैं। ओरियो, हाँ, ओरियो फ्लेवर, चॉकलेट, नेस्टम, न्यूटेला। ये इनके पास चार फ्लेवर हैं और ये भाई हमेशा इधर ही होते हैं। और ये इन्होंने मिक्सचर तैयार किया हुआ और ये चीज़ है ये इसके ऊपर लगा के देते हैं और यहाँ पे तैयार होता है। ये खाने में बहुत ही लजीज लगता है। और ये भी उसके ऊपर डालेंगे फ्लेवर, छली का फ्लेवर, और फिर छली का मज़ा आएगा। अपंग प्रॉपर अम्मा ये सुटा सी नहीं, हाँ, अन्नम ताउन। ओह, नमा यू आपा, हाँ, ज़ाफ़रान, माशाल्लाह। ये इस तरह तैयार होता है जी, देख रहे हैं। इसका रहने थोड़ा सी आप, हाँ, वाह। ये छोटा सा सेटअप है जी, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है और ये लोग खाने में काफ़ी पसंद करते हैं। ये इसने लिखा हुआ है इधर रेट ओरिजिनल 1.20, कलापा 1.50। ये सारे रेट हैं जी। ये छोटा सा स्टॉल है और ये स्वीट कॉर्न है फ्लेवर और यहाँ पे बंग तैयार करता है। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है नीचे मैदे की एक बारीक सी लेयर बनाई जाती है और उसके ऊपर ये इन्होंने मिक्सचर तैयार किया हुआ है। इसमें बिस्किट, काजू, इस तरह का चीज़ें डालते हैं और उसको मिक्स करके ऊपर ये डालते हैं और फिर ऊपर फ्लेवर के लिए ये डाल रहे हैं मीठी छली। कुछ लोग ओरियो पसंद करते हैं, फिर इसकी जगह वो ओरियो डाल देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, फिर वो चॉकलेट फ्लेवर डाल देते हैं और ये फ्लेवर के लिए करते हैं सब कुछ और इस तरह ये तैयार हो रहा है। अगर मलेशिया में आपने कहीं भी कुछ स्टॉल वगैरह भी लगाना है तो आपके पास लेटर वगैरह और सारा कुछ होना चाहिए। ये कंपनी का SSM है। मैं उससे ये पूछ रहा था कि अगर आप इधर काम कर रहे हो तो कोई आपको पूछे पुलिस वाला या कोई और, तो फिर क्या करते हो? तो वो बता रहा था कि मेरे पास ये लेटर है, मैं वो लेटर दिखाता हूँ। परमिशन ले के इसने यहाँ पे लगाया हुआ अपना सेटअप, दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है कि बस लगा दिया। ओके, अकेला बागूसला ये बोल रहा जी, एक दिन में मैं 400-500 पीस बेचता हूँ और उसमें मुझे 200 रिंगिट बच जाते हैं, तो ये अच्छा बिजनेस है यार। ओके जी, अभी ये खा के ट्राई करते हैं कि कैसा है इसका मज़ा, कैसा है। खाने में मज़ेदार है, मज़ेदार। इसका जो फ्लेवर है ये छली की तरह। ओके, मज़ेदार। सिनी मलेशिया चकअप सिडअप, पाकिस्तान चकअप मज़ेदार।
मजेदार है, मजेदार जगह, मजेदार मजेदार। इस चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, चेकअप इस चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सुना पंडे चप्पल जी सुना पंडे। ओके लगी पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ मजा मित्र, पाकिस्तान सलामत। ओ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके मजा मिला।